शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्ला खां कहा करते थे, पूरी दुनिया में जहां चले जाएं, हमें सिर्फ हिंदुस्तान दिखाई देता है, और यहां चाहे जिस शहर में हो सिर्फ बनारस दिखता है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्ला खां के जाने के बाद बनारस शहर की सुबह अधूरी रह गई, क्योंकि यही वो शहनाई थी जिससे बनारस की सुबह बनारस बन जाया करती थी। एक ऐसे फनकार जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने बनारस और खुद को एक पहचान बनाकर पेश किया था। उस्ताद ये मानते थे कि बनारस शहर का एक कमाल था जो शहनाई के सुरों में रोमानियत भर देता था। उस वक्त उस्ताद जी को अपनी इस कला के लिए इतनी शोहरत मिली कि उन्हें जश्न आजादी की पहली शाम पर लाल किले से अपनी शहनाई के धुन छेड़ने का न्योता भेजा गया। उस जमाने के वो इकलौते संगीतकार थे जिन्हें ये सम्मान मिला। लगभग हर साल आजादी की शाम लाल किले से बनारस के शहनाई शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्ला खां के तान सुनाई देने लगी। उन्होंने फिल्म गूंज उठी शहनाई 1959 से लेकर स्वदेश 2004 तक में अपना संगीत दिया, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक उन्हें कभी भी बनारस से दूर नहीं कर पाई। खास बात यह है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां बनारस और गंगा नदी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका जन्म डुमराव यानी बिहार में हुआ था। उस्ताद सिर्फ 6 साल के थे जब वो बनारस अपने मामा के पास चले गए थे। वो गए तो थे किताबी ज्ञान लेने, लेकिन सीखे कुछ और ही। उनके मामा बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक तो थे ही, साथ ही खान साहब के उस्ताद भी बन गए। शुरू में तो उन्हें रियाज करने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उनके वयस्क होते होते उन्होंने शहनाई वादन में महारत हासिल कर ली। शिया मुस्लिम बिस्मिल्ला खां मुहर्रम में मातमी धुन छेड़ते तो जन्माष्टमी पर मधुर सुरों से समा बांध देते। 5 वक्त की नमाज के साथ उनके लिए देवी सरस्वती की उपासना करना भी उतना ही जरूरी था। उस्ताद ही कहा करते थे कि हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के पट उनकी शहनाई की आवाज से ही खुलते थे। उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख था। उनका सुनिए, हम वो आदमी हैं कि जब हम हिंदुस्तान से बाहर आते हैं तो हमको हिंदुस्तान दिखाई देता है, और जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ते में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको बनारस दिखाई देता है। लिहाजा आप यहाँ बनारस बना दिए, वैसे ही गंगा जी, वैसे ही शिवालय, वैसे ही मंदिर, वैसे ही पूजा पाठ हो रहे, वही शहनाई बज रही, वो बना दीजिए, हम यहीं रहेंगे। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्ला खां ताउम्र कौमी एकता की मिसाल बने रहे और 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई हमेशा सबके कानों में गूंजती रहेगी। मिथ मीडिया टीम की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खां को भावभीनी श्रद्धांजलि। न्यूज डेस्क मिथ मीडिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।